एक दफा लक्षे चौधरी और यलवेश यादव जोगिंदर की टपा टप करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जब वो जोगिंदर के घर पहुंच जाते हैं तो घर की सारी लाइटें बुझी होती है। एलवेश यादव अपना पिस्टल निकाल लेता है और वो कहते हैं, मैं जोगिंदर की टपा टप कर दूंगा। दोनों बड़े खुश होते हैं और वो जोगिंदर के घर में घुस जाते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि जोगिंदर एक काक्रोच नुमा राक्षस है। वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, वो अचानक से जोगिंदर के कमरे में घुस जाते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं तो जोगिंदर एक कॉकरोच की तरह दीवार पर लटका होता है और वो कहने लगता है, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा, छुप छुप के इतना हक दूंगा इन खेतों में, खेत के मालिक ने सोची ना होगी। दोनों एलविश यादव और लक्षे चौधरी तेजी से भागने लगते हैं, अपने जान को बचाने लगते हैं, मगर तारा भाई जोगिंदर लक्षे चौधरी को छोड़कर एलविश यादव को पकड़ लेता है और वो एलविश यादव के सर को काट कर खा लेता है। और लक्षे चौधरी कहते हैं, मैं मादर चौध हूँ जो यहाँ पर आया, ये थी हमारी आज की सनसनीखेज कहानी। तुम लोग बोलोगे क्या?